हेलो बच्चों, सुनो, आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्लास में हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैक्सिमम चीज बच्चे एग्जाम टाइम करते हैं और वो बहुत गलत होती है। उनको बहुत सारी चीजें अपनी एग्जाम से बहुत पहले, जब वो तैयारी चालू कर रहे हैं, तब करनी चाहिए। तो जो आप गलतियां करते हो और किस तरीके से आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, तो ये रीजन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जल्दी से आते हैं पहली चीज के लिए, नो योर एग्जाम। एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। आपने सुना होगा ये डायलॉग। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब भैया पहले आप एग्जाम के बारे में जानो। अगर आप क्लास नाइन्थ की पेपर दे रहे हो तो क्लास नाइन्थ में कौन कौन से चैप्टर हैं, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, MCQs आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, तो एग्जाम के बारे में पढ़ो। जनरली ये काम लोग कब करते हैं, एग्जाम से जस्ट पहले। गलत। एग्जाम से जस्ट पहले क्या उखाड़ लोगे, एग्जाम से जब प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो ना, तब जानो। अगर आप IIT JEE की एग्जाम दे रहे हो, CA की एग्जाम दे रहे हो, तो पेपर को जानो, एग्जाम को पहले जानो, उसके बाद तैयारी चालू करो। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे ना, जब आपको एक माइंड में आपको वो रहेगा, पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा कि अच्छा इस टाइप का पेपर आता है, इस टाइप का रहता है, तो पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, अच्छा ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। बहुत ज्यादा फायदेमंद में रहेगा। अगर आपको पता रहेगा अच्छा इस चैप्टर से 1 नंबर का आएगा, इस चैप्टर से 10 नंबर का, अच्छा 10 नंबर का इसमें ज्यादा फोकस करते हैं, इसमें थोड़ा उससे कम, बात समझ नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के बारे में जानो, पैटर्न जानो, हर चीज जानो, किस तरीके का पेपर आता है। ये जनरली लोग करते हैं एग्जाम टाइम, लेकिन आपको करना है ये जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन इन क्लास। क्यों? आप बोलोगे सर सभी बोलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। अगर आप 100% क्लास में कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, आपको 80-90% चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अभी मैं देखता हूं 99% क्लास में आज जो पढ़ाया, कल आधे लोग आधी चीजें भूल रखे हैं, थोड़ी थोड़ी आती है, और एक महीने बाद पूछो तो पूरा सफाचट। इससे होता क्या है, उनको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अच्छा पढ़ाई करनी है। घर वाले भी बोलते हैं पढ़ ले, और इरिटेशन होने लग जाती है। ना आप खेल पाते हो, ना आप अपना पबजी खेल पाते हो, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग में पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेशन क्लास में करने लग जाओगे तो आपको क्या होगा, आप सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे। बहुत 5-10 मिनट में आप चीजों को रिवाइज कर लोगे और आपको लोड नहीं रहेगा। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे अपनी स्टडीज के लिए, तो आपको कोई बोलेगा भी नहीं, फिर आपके पास पूरा टाइम है पबजी खेलो, कुछ भी करो। तो ये मैं आपके लिए कह रहा हूं कि अगर आप पबजी खेलना चाहते हो ना, क्योंकि क्लास में आप टाइम तो दे ही रहे हो 1 घंटा, चाहे लाइव क्लास हो चाहे फेस टू फेस क्लास हो, आप आके बैठ ही रहे हो। तो जब आके बैठ ही रहे हो, 1 घंटा दे ही रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ दो ना, बाकी टाइम खेलने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ। क्लास में जरूरी नहीं कि सर जो लिखवा रहे हैं खाली, वो आपको अपने मन से समझ में आया, अच्छा ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा, लिख लिए, है ना, तो बहुत जरूरी है। और क्लास का मान लो एक चैप्टर चल रहा है आपका, वो चैप्टर खत्म हुआ, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ, लाइट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हुआ, तो जब एक बहुत बड़ा चैप्टर या छोटा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उसके 1 दिन बाद पूरा रिवाइज करो, उसके अगले दिन एक शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स एकदम छोटे, सुपर शॉर्ट नोट्स। मेन नोट्स तो है ही आपके क्लास के पूरे फुल 50 पेज, 100 पेज, 1000 पेज के, है ना, उसका शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया, अच्छा ये फॉर्मुला सिर्फ अभी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस टाइप की चीजें एक शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें पूरा पेज बार बार पलटोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, और अगर वो शॉर्ट नोट्स आपके सामने है ना फॉर्मुला वाले, अच्छा ठीक है फॉर्मुला देखे कर लिए, बात समझ में आई, तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि भैया जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, तो फॉर्मुले मत देखो बार बार। मैं बोलता हूं देखो, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए इसीलिए गए हैं, क्योंकि अगर आप उनमें प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मुलेस बार बार देखोगे तो आपको याद होगा, बात समझ में आई। चाहे आप AISSE की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 6 की एग्जाम दे रहे हो, 9th की एग्जाम दे रहे हो, 10th की दे रहे हो, क्लास 4th की एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अपने क्लास नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत टाइम बचाएगा, आपका इतना ज्यादा टाइम बचा देगा ना कि आप क्या बताऊं। फिर उसके बाद क्यों, और दूसरी बात क्यों जरूरत है शॉर्ट नोट्स करने की, क्योंकि अपन गजनी है, भूल जाते हैं भैया, सब भूल जाते हैं, तो लिखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मार्क एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व। मैं आज भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना तो मार्क करता हूं। क्यों? देखो ध्यान से सुनना मेरी बातें, जब आप कोई चैप्टर अभी ताजा ताजा पढ़े, उसके 1000 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन मान लो स्कूल में हो तो 20-25 क्वेश्चन आपने किए, तो अभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन 1-2 महीने बाद क्वेश्चन आता था कि नहीं, पेज पलट के देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन अच्छा मैंने सॉल्व किया था भी या नहीं। तो मार्किंग बहुत जरूरी है। मान लो आपने 10 न्यूमेरिकल किए, 20 न्यूमेरिकल किए, उसमें से 5 एकदम ऐसे थे जो आपको एकदम नहीं समझ में आए, उनको मार्क कर लो,
कि भैया तो बहुत अच्छे हैं, दो दो चांद तारे लगा दो, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग दो, है ना। और ये क्या मैंने लिखा है, अपने दुश्मन को कभी मत भूलो, मतलब जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान किए ना आपके जो दुश्मन है उनको मत भूलो, उनको लिख के रखो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, बाद में इनको रिविजन कर डाला तो बाकी तो बन जाएंगे। सोचो एग्जाम टाइम पूरे 20 क्वेश्चन करने पॉसिबल है, बट वो 5 क्वेश्चन जो आपको तकलीफ दे रहे थे अगर आपने उनको दोबारा कर लिया आपको वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो स्टार्टिंग में पढ़ते समय आया था। तो ये सारी बातें आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, चाहे आप ITJEE का कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, CA का कर रहे हो, CS का कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का कर रहे हो, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम इज ओनली द एंड स्टेप ऑफ योर एजुकेशन। आप जो एजुकेशन कर रहे हो, एजुकेशन का मतलब क्या, आपके अंदर का डेवलपमेंट, तो उसका सिर्फ लास्ट स्टेप ही तो है। आपने आपकी अगर 1 साल की प्रिपरेशन है, 2 साल की प्रिपरेशन है, तो उसमें आपने हर दिन क्या किया वो मायने रखता है, एग्जाम तो बस लास्ट वाला दिन है, वो आपने 2 साल जो किया उसको बता रही है। तो एग्जाम के लिए डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डरो, क्योंकि अगर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो फिर तो एग्जाम अच्छी होनी है। लोग सोचते हैं कि भैया 2 साल बाद 1 साल बाद एग्जाम जो होगी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे, नहीं भैया, उसकी जो प्रिपरेशन है वो हर दिन फोकस करो कि आज मैंने उठाया, आज के दिन मेरी जो पढ़ाई होनी थी, आज के अंदर मेरे को अपने अंदर जो डेवलपमेंट लाना था वो मैंने लाया कि नहीं। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, यस, बट क्या करूँ यार, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 99% लोगों को अभी भी ये सारी बातें नहीं पता है, वो एग्जाम टाइम जाकर के सर्च करते हैं क्या करें, मोटिवेशन ये और वो। प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी मतलब भैया आपको मालूम है कि वो करना ही है, आप ही ने चूज किया है, तो आपको उसकी तैयारी स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छे तरीके से करनी है, और वही मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ। क्लियर है क्या? तो बस यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत जल्दी में, ज़्यादा मैं आपको चाहता भी नहीं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो के एंड तक, तो भैया प्लीज़ लाइक कर देना, अपने हर फ्रेंड लोगों के साथ इसको शेयर कर देना हमको सपोर्ट करने के लिए, यस, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसी और कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ठीक है, बहुत सफलता प्राप्त करो आप लोग सभी को ही, है ना। चलो, और लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।